दोस्तों तमिलनाडु एंड कर्नाटक के बीच में जो क्वार्टर फाइनल वन खेला जाएगा विजय हजारे ट्रॉफी का, वहां पे आपको पिच कुछ ऐसा दिखने वाला है जहां पे पेसर्स को थ्रू आउट द मैच काफी अच्छा हेल्प मिलेगा एंड फर्स्ट इनिंग के मुकाबले सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स गेम में ज्यादा आते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप शाहरुख खान और हरी निशान में से किन को लेंगे? आप देखिए, शाहरुख खान खेलेंगे नंबर 7 पे और बोलिंग नहीं डालेंगे, नीचे आके सिर्फ पावर हिटिंग करेंगे जिनमें आउट होने का चांसेस ज़्यादा होता है, और हरी निशान ओपनिंग करेंगे प्लस ज़रूरत पड़ने पर बोलिंग भी डाल सकते हैं और इनिंग को बिल्ड कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों अगर आप परसेंटेज सिलेक्शन के बेसिस पे टीम बनाने जाएंगे तो कुछ गलत प्लेयर्स को अपने टीम में ले लेंगे जनता का देखा देखी, और ऐसे कुछ बेहतरीन प्लेयर्स को अपने टीम में लेने से चूक जाएंगे। तो वीडियो को कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा। इस वीडियो में मैं ऐसे 5 से 7 बेहतरीन ट्रंप प्लेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों ये मैच खेला जाएगा सुबह 9 बजे। 8:30 बजे के बाद इस मैच का प्लेइंग 11, बैटिंग ऑर्डर एंड टॉस रिपोर्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल एंड इंस्टाग्राम चैनल पे। दोनों का ही लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देखने को मिल जाएगा। अगर इस मैच में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्लेइंग 11 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ज़रूर से ज्वाइन हो जाइएगा। दोस्तों अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस वीडियोस आपको देखना पसंद है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है, उसके बगल वाले बेल बटन को प्रेस करके ऑल पे कर देना है। उसके बाद जो ये एरो वाला बटन आपको दिखेगा ना, इस पर प्रेस करके आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाना है। यहाँ पर आपको हमारे टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा। कोशिश कीजिएगा इन ओरिजिनल लिंक्स पर क्लिक करके ही आप हमारे साथ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल्स के साथ जुड़ जाए। दोस्तों बात कर लेंगे वेन्यू के बारे में, तो केएल सैनी स्टेडियम जयपुर के ग्राउंड पे ये मैच खेला जाएगा जहां पे रिसेंटली इस साल विजय हजारे ट्रॉफी का 6 मैचेस ऑलरेडी खेला जा चुका है। प्री क्वार्टर फाइनल मैच जो कि कर्नाटका एंड राजस्थान के बीच में हुआ था वो भी इसी ग्राउंड पे हुआ था, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट मैच हुआ था त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश के बीच, वहाँ पे त्रिपुरा ने काफ़ी बेहतरीन बैटिंग किया क्योंकि अरुणाचल प्रदेश का बॉलिंग उतना कुछ खास था नहीं। बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम काफ़ी कंफर्टेबली जीता, पेसर्स को 4 विकेट एंड 5 विकेट दोनों इनिंग में मिला। स्पिनर्स को सेकेंड इनिंग में 4 विकेट मिला था, फर्स्ट इनिंग में कोई भी विकेट नहीं मिला था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मेघालय एंड बिहार के बीच में जो मैच हुआ, मेघालय ने सिर्फ 1 रन से मैच को जीता था। यहां पे पेसर्स को 5-5 विकेट दोनों इनिंग में, स्पिनर्स 1-1 विकेट दोनों इनिंग में निकाले थे। बिहार एंड नागालैंड के बीच में जो मैच हुआ था, बिहार 284/8 किया था, नागालैंड उसको चेज नहीं कर पाया था। पेसर्स को 4 विकेट एंड 3 विकेट मिले थे दोनों इनिंग में, स्पिनर्स को सेकेंड इनिंग में 5 विकेट मिला था, फर्स्ट इनिंग में 2 विकेट मिला था। फोर्थ मैच में भी आप देख सकते हैं मेघालय डोमिनेट किया, बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीता, पेसर्स को 6-3 विकेट दोनों इनिंग में, स्पिनर्स को 3-2 विकेट दोनों इनिंग में मिला के मिला था। सिक्किम और मणिपुर के बीच में जो मैच हुआ था, बैटिंग सेकेंड करने वाला टीम जीता था, चेज हुआ था पहली बार, ठीक है। पेसर्स को 5-5 विकेट दोनों इनिंग में, स्पिनर्स को 2-2 विकेट दोनों इनिंग में मिला था। जो लास्ट प्री क्वार्टर फाइनल मैच इस ग्राउंड पर खेला गया था, जैसे कि मैंने अभी बोला, राजस्थान 199 पे ऑल आउट हो गया, वो भी दीपक हुड्डा के 100 के वजह से राजस्थान 199 तक पहुंच पाया था, जो कि कर्नाटका ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से चेस किया, 8 विकेट से मैच को जीत गए थे। पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में 6 विकेट तो सेकंड इनिंग में 2 विकेट मिले थे, स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में 4 विकेट, सेकंड इनिंग में इतना आसानी से चेस हुआ कि स्पिनर्स को विकेट ही नहीं मिला। अब देखिए लास्ट मैच जो मैंने नोटिस किया, जो कि राजस्थान एंड कर्नाटका के बीच में ये प्री क्वार्टर फाइनल मैच था, वहाँ पे मुझे दिखा कि फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करना उतना आसान नहीं है, स्पेशली शुरुआत के 15 से 20 ओवर, क्योंकि बॉल काफ़ी अच्छा सीम स्विंग मूवमेंट कर रहा था, थोड़ा सा ग्रिप भी कर रहा था पिच से, इसीलिए अनएक्सपेक्टेड बाउंस भी मिल रहा था। तो इसीलिए फर्स्ट इनिंग में जो भी टीम बैटिंग करेगा उनके ओपनर्स के ऊपर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि दोनों ही टीम कांटे का टक्कर देने वाले हैं इस मैच में। बट जितना समय जाएगा इस पर्टिकुलर पिच पे, मुझे लगता है बैटिंग करना उतना आसान होता जाएगा। जितना मैंने नोटिस किया लास्ट मैच में, बॉल काफ़ी अच्छे से बैट पे आता है, स्ट्रोक मेकिंग इजी हो जाता है। बाकी ओवरऑल लास्ट 6 मैचेस को मिला के इस साल इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे 4 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाला टीम जीता है, 2 बार बैटिंग सेकेंड करने वाले टीम जीते हैं इंक्लूडिंग द लास्ट मैच। पेसर्स को फर्स्ट इनिंग में इन 6 मैचेस को मिला के मिले हैं 30 विकेट, सेकेंड इनिंग में 22 विकेट मिले हैं। वहीं स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग में 12 विकेट मिले हैं पेसर्स के 30 विकेट के मुकाबले, एंड पेसर्स के 22 विकेट के मुकाबले स्पिनर्स को 14 विकेट मिले हैं। तो सेकेंड इनिंग में स्पिनर्स फर्स्ट इनिंग के मुकाबले थोड़ा बहुत ज़्यादा गेम में आते हैं, ऐसा आप कह सकते हैं।
दोस्तों बात कर लेंगे कर्नाटका टीम के बारे में, जो ग्रुप स्टेज में 5 मैचेस खेले थे, 3 जीते थे और 2 हारे थे। फर्स्ट मैच था इनका पुडुचेरी के सामने, जो कि बेहतरीन तरीके से जीत हासिल किए थे बैटिंग फर्स्ट करते हुए। रवि कुमार समर्थ का शानदार 95 था, कृष्णमूर्ति सिद्धार्थ का 61, मनीष पांडे बैटिंग फर्स्ट करते हुए टीम के कैप्टन 64, नॉट आउट एस शरद 55, जो कि विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। जगदीशन सूची 4 विकेट निकाले थे सिर्फ 3 ओवर में, केसी करियप्पा का 1 विकेट, वी कौशिक 3 विकेट और वी पाटिल 1 विकेट निकाले थे। तो कर्नाटका का इस साल का सेकेंड मैच तमिलनाडु के सामने ही था, जो कि बुरी तरीके से वो हार गए थे, सिर्फ 122 पे ऑल आउट हो गए थे। रवि कुमार समर्थ कुछ नहीं कर पाए थे, कृष्णमूर्ति सिद्धार्थ 6 रन बना के आउट हो गए थे, मनीष पांडे सिर्फ लोन वॉरियर की तरह 40 किए थे, करुण नायर 9 रन किए थे, जगदीशन सूचित 1 विकेट, बाकी वी कौशिक भी कोई विकेट नहीं निकाल पाए थे, वी पाटिल का 1 विकेट रहा था। थर्ड मैच था मुंबई के सामने, बेहतरीन तरीके से जीत हासिल किए थे रवि कुमार समर्थ, फिर से 96 नॉट आउट प्लस 1 विकेट भी निकाले थे। यहाँ पे कृष्णमूर्ति सिद्धार्थ 17, रोहन कदम का 44 रहा था, करुण नायर 39 नॉट आउट किए थे, मनीष पांडे बैटिंग सेकंड करते हुए कुछ खास नहीं कर पाए थे। यहाँ पे जगदीशन सूचित का 1 विकेट, केसी करियप्पा का 1 विकेट, लेग स्पिनर प्रवीण दुबे 4 विकेट निकाले थे। दोस्तों फोर्थ मैच बड़ौदा के सामने, फिर से एक कंफर्टेबल विक्ट्री, रवि कुमार समर्थ का फिर से परफॉर्मेंस, कृष्णमूर्ति सिद्धार्थ 46 किए थे, मनीष पांडे 19, बाकी एस शरद 21 किए थे। बोलिंग से के करियप्पा यहाँ पे 3 विकेट निकाले थे, वी कौशिक 3 विकेट निकाले थे, वी पाटिल 1 विकेट एंड प्रवीण दुबे का फिर से 2 विकेट रहा था विद द लेग स्पिन। नेक्स्ट मैच में बंगाल ने दिया था 274 का टारगेट, जो कि कर्नाटका चेस नहीं कर पाया। रवि कुमार समर्थ 17 रन प्लस 7 ओवर बोलिंग भी डाले थे, रोहन कदम 37 किए थे, कृष्णमूर्ति सिद्धार्थ कुछ नहीं कर पाए थे, मनीष पांडे 90 किए थे, करुण नायर 25 किए थे, प्रवीण दुबे 37 नॉट आउट किए थे। बाकी यहाँ पे बोलिंग से केसी करियप्पा का 1 विकेट रहा था और पी जैन का 3 विकेट रहा था। दोस्तों इनका लास्ट मैच ये राजस्थान के सामने जीत के आ रहे हैं, जहाँ पे 204 उन्होंने आसानी से कर दिया था, 8 विकेट से मैच को जीत लिए थे। रवि कुमार समर्थ फिर से बेहतरीन स्टार्ट दिए थे, देवदत्त पड़िकल 4 रन बना के आउट हो गए थे, के सिद्धार्थ यहाँ पे 85 नॉट आउट एंड मनीष पांडे 52 नॉट आउट अनबीटन गए थे। बाकी बोलिंग से वी विजय कुमार पावर प्ले में ही 3 विकेट निकाल लिए थे, ध्यान रखिएगा इसी पर्टिकुलर ग्राउंड पर मैच हुआ था। शुरुआत पर काफ़ी अच्छा सीम एंड स्विंग मूवमेंट देखने को मिला था वी विजय कुमार से। बाकी यहाँ पे प्रशित कृष्णा, जो कि पावर प्ले में वी विजय कुमार के साथ डाले थे, 8 ओवर में 17 रन और 3 मेडन भी दिए थे, 1 विकेट निकाले थे। प्रवीण दुबे 1 विकेट निकाले थे, एम वेंकटेश 1 विकेट निकाले थे, कृष्णप्पा गौतम डेथ ओवर्स में डाले थे, 2 विकेट निकाले थे। दोस्तों इस मैच में इनका प्रोबेबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर मेरे हिसाब से कुछ ऐसा होने वाला है, रवि कुमार समर्थ के साथ देवदत्त पड़िकल ओपनिंग करेंगे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन बना हुआ रहेगा, कृष्णमूर्ति सिद्धार्थ आएंगे नंबर 3 पे, मनीष पांडे नंबर 4 पे, अभिनव मनोहर खेलेंगे नंबर 5 पे। लास्ट मैच में इनका बैटिंग नहीं आया था, अगर इस मैच में कर्नाटका का बैटिंग फर्स्ट हुआ, शुरुआत में 2-3-4 विकेट जल्दी गिर गए, तो अभिनव मनोहर नीचे आके अच्छा खासा संभाल सकते हैं। ग्रैंड लीग में ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इन टॉप 3-4 बैटर्स को छोड़ के। कृष्णप्पा गौतम फिर आएंगे, प्रवीण दुबे थोड़ा बहुत बैटिंग भी कर सकते हैं, अपने कोटे का फुल लेग ब्रेक ओवर्स डालेंगे, एस शरद इनके विकेट कीपर बैटर, एम वेंकटेश आएंगे उसके बाद, फिर वी विजय कुमार एंड प्रशित कृष्णा। दोस्तों पावर प्ले में इनके तरफ से डालेंगे वी विजय कुमार, प्रशित कृष्णा एंड प्रवीण दुबे, यहाँ पे डेथ ओवर्स में डालेंगे वी विजय कुमार, प्रशित कृष्णा एंड कृष्णप्पा गौतम। दोस्तों बात करेंगे तमिलनाडु टीम के बारे में, जो कि लास्ट ईयर सेकंड पोजीशन पर फिनिश किए थे पॉइंट्स टेबल पे, इस साल भी बेहतरीन स्टार्ट किए हैं, 5 मैचेस में से 3 जीते हैं 2 हारे हैं। जो फर्स्ट मैच खेले थे मुंबई के सामने, मुंबई को सिर्फ 236 पे ऑल आउट कर दिए थे, अच्छे खासे तरीके से अपने टारगेट को डिफेंड किए थे। यहाँ पे एस सुदर्शन ओपनिंग किए थे 24 किए थे, कैप्टन एन जगदीशन 20 किए थे, बाबा इंद्रजीत बेहतरीन फॉर्म में है 45 किए थे, वाशिंगटन सुंदर आपके ग्रैंड लीग के एंड स्मॉल लीग के कैप्टन बन सकते हैं, स्पेशली स्मॉल लीग के, क्योंकि नंबर 4 पे आ रहे हैं प्लस अपने कोटे का फुल ओवर्स डाल भी रहे हैं, विकेट भी निकाल रहे हैं। दोस्तों दिनेश कार्तिक स्पेशली बैटिंग फर्स्ट करते हुए बेहतरीन नीचे आके खेल सकते हैं, हिटिंग भी कर सकते हैं, प्लस अगर कोलैप्स हुआ तो पारी को संभाल भी सकते हैं। जे कौशिक खेले थे उस मैच में 32 रन, 1 ही ओवर डाले थे, शाहरुख खान नंबर 7 पे आए थे और यहाँ पे 66 किए थे स्पेशली बैटिंग फर्स्ट करते हुए, बैटिंग सेकेंड पे इतना नीचे आ रहे हैं शायद इनका बैटिंग भी ना आए। आर साई किशोर 9 ओवर डाले थे, 2 विकेट निकाले थे, एम सिद्धार्थ 10 ओवर डाले थे, 3 विकेट निकाले थे, ये दोनों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर इस बार बेहतरीन फॉर्म में है, ध्यान रखिएगा। आठ सिलंबरसन 1 विकेट निकाले थे, संदीप वॉरियर भी 1 विकेट निकाले थे। दोस्तों इनका भी सेकेंड मैच कर्नाटका के सामने था, जहाँ पे बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था स्पेशली तमिलनाडु के बॉलर्स ने, जो कर्नाटका के बैटर्स को सिर्फ 122 पे ही ऑल आउट कर दिए थे। देखिए एम सिद्धार्थ
चार विकेट निकाले थे 9 ओवर्स में सिर्फ 23 रन देखे, 7 ओवर में सिर्फ 28 रन देखे, 3 विकेट निकाले थे आर साई किशोर। दोनों लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर बेहतरीन पारी खेले थे लास्ट जो हेड टू हेड हुआ था इसी साल कुछ ही दिनों पहले। आर सिलंबरदर्शन 1 विकेट एंड संदीप वॉरियर का 1 विकेट रहा था। बैटिंग से बाबा इंद्रजीत 51 नॉट आउट किए थे, वाशिंगटन सुंदर 31 नॉट आउट और 1 विकेट निकाले थे। थर्ड मैच था बंगाल के सामने जहां पे कंफर्टेबल विक्ट्री तमिलनाडु ने हासिल किया था। सुदर्शन 12 रन और 1 विकेट किए थे टॉप ऑर्डर में, जगदीशन कैप्टन 31, बाबा इंद्रजीत का फिर से परफॉर्मेंस 64, वाशिंगटन सुंदर 0 रन बना के आउट हो गए थे बट 1 विकेट निकाले थे। दिनेश कार्तिक अगेन बैटिंग फर्स्ट करते हुए 87 नीचे आके काफ़ी अच्छा संभाले थे, प्लस लास्ट ओवर में हिटिंग्स भी किए थे। बाकी जगदीशन कौशिक 50, शाहरुख खान नीचे आके 32 किए थे, बैटिंग फर्स्ट स्पेशल ध्यान रखिएगा। आर साई किशोर विकेटलेस गए थे, एम सिद्धार्थ का 1 विकेट, आर सिलंबरदर्शन 4 विकेट निकाले थे, संदीप वॉरियर को 2 विकेट मिला था। नेक्स्ट मैच था इनका पुडुचेरी के सामने जहां पे इनको टूर्नामेंट का पहला हार देखना पड़ा इस साल का, जहां पे हरी निशान 19 रन बनाकर ऑल आउट हो गए, एन जगदीशन टीम के कैप्टन 64 किए थे वाइल चेजिंग, बाबा इंद्रजीत बैटिंग से पहली बार फ्लॉप हुए और ये टारगेट भी चेज नहीं कर पाए, वाशिंगटन सुंदर 5 विकेट निकाले थे, बैटिंग से कुछ खास नहीं कर पाए थे, दिनेश कार्तिक द सेवियर क्योंकि ऊपर से 1, 2, 3 फ्लॉप गए तो इसीलिए नीचे आके इनको काफ़ी अच्छा खासा बॉल्स खेलने को मिला और अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके इन्होंने 65 किए थे। बॉलिंग से उस मैच में सिलंबरदर्शन का 2 विकेट रहा था, एम सिद्धार्थ 1 विकेट निकाले थे, आर साई किशोर 1 विकेट निकाले थे, वाशिंगटन सुंदर 5 विकेट निकाले थे। दोस्तों लास्ट मैच जो इन्होंने खेला था बड़ौदा के सामने वहाँ पे काफ़ी जिल्लत का हार इनको मिला था क्योंकि 115 का टारगेट था सिर्फ जो कि 73 पे ही ऑल आउट हो गए, चेज नहीं कर पाए थे। हरी निशान 5 ओवर बॉलिंग डाले थे, 1 विकेट निकाले थे, 11 रन किए थे, एन जगदीशन 11 रन, बाबा इंद्रजीत का लगातार दूसरा फ्लॉप, वाशिंगटन सुंदर 8 रन और 2 विकेट निकाले थे 8 ओवर बॉलिंग करते हुए, दिनेश कार्तिक फ्लॉप, विजय शंकर उस मैच में खेले थे फ्लॉप, संजय यादव खेले थे जो कि 1 ही ओवर बॉलिंग करते हुए 13 रन देके 2 विकेट निकाले थे, 19 रन किए थे विद द बैट, साई किशोर का 1 विकेट एंड एम सिद्धार्थ 2 विकेट, संदीप वॉरियर 2 विकेट निकाले थे। दोस्तों इनका प्रोबेबल प्लेइंग 11 डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ आपके नोटिस में लाना चाहूँगा कि ध्यान रखिएगा तमिलनाडु अपने लास्ट के 2 मैचेस हार के आ रहे हैं पहले के 3 मैचेस जीतने के बाद, और जो लास्ट मैच है जो कि प्री क्वार्टर फाइनल था कर्नाटका राजस्थान को बहुत ही बुरी तरीके से हरा के आ रहे हैं, तो मोमेंटम नाम का एक चीज़ भी होता है जो कि फिलहाल कर्नाटका के साथ है, तमिलनाडु के साथ नहीं है। ठीक है दोस्तों, तमिलनाडु की तरफ से ओपनिंग करेंगे हरी निशांत एंड एन जगदीशन जो कि कैप्टन प्लस विकेट कीपर है, बाबा इंद्रजीत आएंगे नंबर 3 पे, वाशिंगटन सुंदर नंबर 4 पे, दिनेश कार्तिक फिर विजय शंकर, संजय यादव राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर बहुत ही पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं बट जब करते हैं 4 से 5 ओवर डाल लेते हैं। ठीक है बाकी शाहरुख खान फिर साई किशोर आएंगे, एम सिद्धार्थ एंड संदीप वॉरियर, अगर संदीप वॉरियर नहीं खेलते हैं उनके जगह आर सिलंबरदर्शन या फिर एम मोहम्मद सीधे सीधे आ जाएंगे जो भी राइट आर्म मीडियम फास्ट ही डालते हैं। पावर प्ले में इनके तरफ से संदीप वॉरियर, एम सिद्धार्थ एंड वाशिंगटन सुंदर डालने वाले हैं, डेथ ओवर्स में साई किशोर, संजय यादव, संदीप वॉरियर एंड वाशिंगटन सुंदर डालने वाले हैं। दोस्तों बात करेंगे हेड टू हेड मैचेस के बारे में, तो लास्ट 5 जो हेड टू हेड मैच हुआ है इन दोनों टीम्स के बीच में कर्नाटका 3 बार जीता है, तमिलनाडु 2 बार जीता है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा एज कर्नाटका रखता है ओवर तमिलनाडु एंड मोमेंटम जो है कर्नाटका के साथ है, तमिलनाडु के साथ नहीं है ध्यान रखिएगा। रीसेंट जो हेड टू हेड मैच खेला गया वहाँ पे कर्नाटका 122 पे ऑल आउट हो गए थे, तमिलनाडु 123/2 करके आसानी से जीत गए थे। रवि कुमार समर जो के बेहतरीन फॉर्म में है कर्नाटका के तरफ से 0 रन बना के आउट हो गए थे संदीप वॉरियर के बॉल पे, के सिद्धार्थ 6 रन बना के आउट हो गए थे, मनीष पांडे 40 किए थे, एम सिद्धार्थ के बॉल पे आउट हो गए थे, राइट हैंडेड बैटर एंड लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलर बैटल याद है ना। बाकी एस शरद 3 रन किए थे, एम वेंकटेश 2 रन किए थे, इनके तरफ से कोई ज़्यादा विकेट नहीं निकाल पाए थे तो इसीलिए कर्नाटका का कोई भी बॉलर मैंने मेंशन नहीं किया है। बाकी तमिलनाडु के तरफ से ओपनिंग में एन जगदीशन 16 किए थे, बाबा इंद्रजीत 51 एंड वाशिंगटन सुंदर 31 नॉट आउट। बाकी यहाँ पे 1 विकेट निकाले थे वाशिंगटन सुंदर, एम सिद्धार्थ 4 विकेट निकाले थे, आर साई किशोर 3 विकेट, संदीप वॉरियर 1 विकेट निकाले थे। जो 2019 में खेला गया था इन्हीं दोनों टीम्स के बीच में जहां पे तमिलनाडु 252/10 करके ऑल आउट हो गए थे और कर्नाटका आसानी से चेस करने ही वाले थे, डीएलएस मेथड के वजह से जीत गए थे। विजय शंकर 38 किए थे तमिलनाडु के तरफ से बैटिंग फर्स्ट करते हुए, दिनेश कार्तिक 11 रन, शाहरुख खान बैटिंग फर्स्ट स्पेशल 27, प्लस वाशिंगटन सुंदर 2 रन किए थे और 1 विकेट निकाले थे 6 ओवर बॉलिंग करते हुए, देवदत्त पडिक्कल 11 रन किए थे वाइल चेजिंग, प्रवीण दुबे विकेटलेस गए थे, कृष्णप्पा गौतम का 1 विकेट रहा था, वी कौशिक 2 विकेट निकाले थे उस मैच में।
दोस्तों उसके बाद कुछ ऐसे हेड टू हेड मैचेस हुए थे जो कि 2015-2013 में खेला गया था, एंड उन सारे मैचेस से अभी जो प्लेयर्स अवेलेबल है सिर्फ मैंने उन्हीं को मेंशन किया है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि यहाँ पे कर्नाटका बैटिंग फर्स्ट करते हुए 313 फॉर 6 किया, तमिलनाडु चेज नहीं कर पाया। मनीष पांडे जब कर्नाटका बैटिंग फर्स्ट किया 101 नॉट आउट किए थे। दिनेश कार्तिक नीचे आके 63 किए थे तमिलनाडु के तरफ से। यहाँ पे कर्नाटका 168 पे ऑल आउट हो गया, तमिलनाडु 169 फॉर 3 किया। मनीष पांडे 7 रन किए थे उस मैच में। बाकी और एक हेड टू हेड जो कि और भी पिछले सालों में खेला गया था, 250 फॉर 8 तमिलनाडु, कर्नाटका 252 फॉर 3। दिनेश कार्तिक बैटिंग फर्स्ट स्पेशल 84, विजय शंकर 59, मनीष पांडे 81 नॉट आउट, करुण नायर 64 नॉट आउट। दोस्तों बात करेंगे ड्रीम 11 टीम कॉम्बिनेशन के बारे में, बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो में दिया गया एनालिसिस एंड इन्फॉर्मेशन अब तक आपको पसंद आ रहा है और ऐसे ही वीडियोस आप रोजाना देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा नेक्स्ट कौन से मैच का वीडियोज आपको देखना है। दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको तीन ऑप्शंस मिलेंगे, एन जगदीशन, दिनेश कार्तिक एंड एस शरद। दोस्तों एस शरद नंबर 6 पे बैटिंग करेंगे, कर्नाटका की तरफ से विकेट कीपिंग ड्यूटीज भी वही संभालेंगे। बाकी तमिलनाडु के तरफ से दिनेश कार्तिक एंड एन जगदीशन, दिनेश कार्तिक विकेट कीपिंग ड्यूटीज संभालेंगे, एन जगदीशन ओपनिंग करेंगे प्लस कैप्टन है। एन जगदीशन का रीसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, हालांकि चेजिंग करते हुए वो ज़्यादा अच्छा करते हैं। दिनेश कार्तिक क्योंकि मिडिल ऑर्डर में आके संभाल सकते हैं प्लस कीपिंग से भी पॉइंट्स देंगे, इसीलिए फिलहाल के लिए मैं दिनेश कार्तिक के साथ जाना पसंद करूंगा। दोस्तों यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में मनीष पांडे हमारे मस्ट पिक में आ जाते हैं, करुण नायर लास्ट मैच नहीं खेले थे, देवदत्त पडिक्कल ओपनिंग करेंगे, अब जरूर से ट्राई कर सकते हैं, बाबा अपराजित नहीं खेलेंगे, बाबा इंद्रजीत बेहतरीन फॉर्म में है, 82% का सिलेक्शन इनके लिए बिल्कुल जस्टिफाइड है। के सिद्धार्थ एक मैच में परफॉर्म करते हैं एक मैच में नहीं करते हैं, देखना पड़ेगा लास्ट मैच में 61 करने के बाद इस मैच में क्या कर पाते हैं। फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा नीचे जाऊँगा, यहाँ पे हरी निशांत को ट्राई करना चाहूँगा जो कि राइट आर्म ऑफ ब्रेक बोलिंग भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे। दोस्तों ग्रैंड लीग के और एक बेहतरीन ट्रंप प्लेयर अभिनव मनोहर, जब मैं प्लेइंग 11 डिस्कस कर रहा था तब भी मैंने आपको बताया था अगर कर्नाटका का शुरुआत में कोलैप्स होता है तो अभिनव मनोहर नीचे के संभाल सकते हैं, प्लस इनको ऊपर भी प्रमोट किया जा सकता है हिटिंग करने के लिए, क्योंकि जनरली ये एक हिटर है प्लस संभाल के खेल भी सकते हैं, ठीक है, तो इनको जरूर से ग्रैंड लीग में ट्राई कीजिएगा। बाकी और कोई खास डिस्कस करने लायक बैटिंग सेक्शन में है नहीं। दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में वाशिंगटन सुंदर हमारे मस्ट पिक में आ जाते हैं, प्रवीण दुबे को आप जरूर से ट्राई कर सकते हैं, 10 ओवर बॉलिंग डालेंगे प्लस नंबर 6-7 तक बैटिंग कर देंगे एंड 25-30 रन आपको बना के दे सकते हैं। यहाँ पे कृष्णप्पा गौतम को मैं ज़रूर से ट्राई करूंगा, फिलहाल के लिए मैं प्रवीण दुबे को ना लेकर रवि कुमार समर्थ के साथ जाऊंगा, थोड़ा बहुत बॉलिंग कर लेते हैं 3-4 ओवर अगर ज़रूरत पड़ा तो, प्लस ओपनिंग भी करेंगे। फिलहाल के लिए मेरा पिक रवि कुमार समर्थ है क्योंकि बेहतरीन टच में चल रहे हैं। अगर आपको और सेफ जाना है तो बैटिंग सेक्शन में आप एक काम कर सकते हैं, आइदर हरी निशांत को छोड़ सकते हैं या फिर यहाँ से देवदत्त पडिक्कल को छोड़ के इधर से आप सीधा सीधा ना प्रवीण दुबे को ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं एक काम करता हूँ, हरी निशांत को छोड़ के मैं प्रवीण दुबे को ले लेता हूँ, ज़रूरत पड़ने पर प्रवीण दुबे बैटिंग से एंड 10 ओवर बॉलिंग भी डालेंगे, लेग ब्रेक बॉलर हैं तो 1-2 विकेट निकाल के हमें दे ही सकते हैं। दोस्तों इसके बाद एक दिक्कत हमको फेस करना होगा, क्या दिक्कत, देखिए आर साई किशोर, एम सिद्धार्थ, इन दोनों को तो हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते, बेहतरीन फॉर्म में है तमिलनाडु के तरफ से, अगर हम दोनों को एक साथ लेते हैं तो 7.5 क्रेडिट हमारे पास बच जाता है जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है क्योंकि हम 11 प्लेयर फील नहीं ले पाएंगे अपने टीम में। इसीलिए दोस्तों हम फिलहाल के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन में प्रवीण दुबे को हटा के बैटिंग सेक्शन में यहाँ पे देवदत्त पडिक्कल को हटा के हम ले सकते हैं हरी निशांत को या फिर आप ले सकते हैं यहाँ पे के सिद्धार्थ को, ठीक है, दोनों में से किसी एक को ले लीजिएगा, फिर हमारे पास 17.5 क्रेडिट्स बच जाते हैं जिससे हम विजय कुमार को ट्राई कर सकते हैं जो कि इसी पर्टिकुलर ग्राउंड पे लास्ट मैच में 4 विकेट निकाले थे। उसके बाद हमारे पास 9 क्रेडिट्स बच जाते हैं जिसके से आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे के सिद्धार्थ को ले सकते हैं, लास्ट मैच में 50+ करते हुए आ रहे हैं। दोस्तों अगर आप उस 9 क्रेडिट में के सिद्धार्थ को नहीं लेना चाहते तो ऑलराउंडर सेक्शन में फिर से प्रवीण दुबे को ले सकते हैं या फिर बॉलिंग सेक्शन में आपको मिलेंगे संदीप वॉरियर, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट करते हुए इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं, 1-2 विकेट निकाल के आपको दे सकते हैं। देखने को तो बहुत सारे ऑप्शन है, प्रशित कृष्णा जो कि लास्ट मैच में काफ़ी इफेक्टिव बॉलिंग किए थे, 3 मेडन दिए थे, इस मैच में 2-3 विकेट निकाल सकते हैं, डेथ ओवर्स में डालते हैं, बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा स्पेशली ग्रैंड लीग में।
दोस्तों फिलहाल के लिए मेरा ड्रीम इलेवन टीम कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा बन रहा है क्योंकि मैंने इनका पहले के दो ओवर्स लिए हैं जो कि पावर प्ले में डालने वाले हैं, इसलिए ना मैं एन जगदीशन को लिया है ना मैं हरी निशांत को लिया है। अगर आप ग्रैंड लीग में कुछ ऐसा टीम कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं जहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करते हैं तो आप ओपनर में से किसी एक को ले सकते हैं, या फिर हरी निशांत को या फिर एन जगदीशन को। पास्ट हेड टू हेड रिकॉर्ड प्लस मोमेंटम के बेसिस पे ही टीम बना रहा हूँ। लास्ट के दो मैचेस तमिलनाडु हार के आ रहे हैं इसीलिए, और लास्ट मैच इसी ग्राउंड पे कर्नाटका जीत के आ रहे हैं इसीलिए कर्नाटका के फेवर में मैं थोड़ा बहुत टीम बनाया है। जहाँ पे मिडिल ऑर्डर स्टेबलाइजर्स मुझे बाबा इंद्रजीत एंड दिनेश कार्तिक अपने टीम में दिख रहे हैं, एंड वाशिंगटन सुंदर को भी मैंने लिया है। आर साई किशोर भी थोड़ा बहुत बैटिंग कर सकते हैं और ये दोनों तो बेहतरीन फॉर्म में है विद द बॉल, एंड वाशिंगटन सुंदर भी ठीक ठाक बॉलिंग कर रहे हैं। एक मैच में 5 विकेट हॉल भी निकाल चुके हैं। रवि कुमार समर्थ इनका ओपनर मुझे मिल गया, इनके नंबर 3 पे खेलने वाला के सिद्धार्थ मिल गया, मनीष पांडे नंबर 4 पे आएंगे, के गौतम आएंगे नंबर 6 पे, प्लस बॉलिंग भी करेंगे, ये दोनों मेन बॉलर्स इनके तरफ से मुझे मिल गए हैं। दोस्तों यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो वाशिंगटन सुंदर मेरे कैप्टन होने वाले हैं। वाइस कैप्टन आप मनीष पांडे को बना सकते हैं अगर कर्नाटका का टीम बैटिंग फर्स्ट करता है तो, अगर कर्नाटका बैटिंग सेकंड करता है तो शायद मैं वी विजय कुमार को वाइस कैप्टन देना पसंद करूँगा। यहाँ पे एम सिद्धार्थ भी बहुत अच्छे CVC ऑप्शन बन सकते हैं। हाँ, वाइल्ड चेजिंग मतलब दोनों टीम में से जो चेज करेगा उनमें से आर समर्थ एंड बी इंद्रजीत बहुत अच्छे वाइस कैप्टन ऑप्शन बन सकते हैं। अब टॉस के बाद हमको पता चलेगा कौन सा टीम बैटिंग फर्स्ट कर रहा है, कौन सा टीम बॉलिंग फर्स्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे आप वाइस कैप्टन चूज कर सकते हैं। दोस्तों होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। कॉमेंट करके ज़रूर से बताइएगा नेक्स्ट कौन से मैच का वीडियो आप चाहते हैं, और अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा।